बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व के अवसर पर दुर्ग के बैगा पारा स्टेडियम में रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। दशहरा पर्व के अवसर पर दुर्ग के बैगापारा स्थित मिनी स्टेडियम में रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अहंकारी रावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया। विशेष कार्यकर्ता कर्मज्ञ थे मनीषा जी मानिक थे, जो यहाँ के सब प्रकार के कार्यकर्ता थे, सभी काम करते थे बेचारे। और उनका इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक गजेंद्र यादव ने उपस्थित शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा व प्रेरणा का संचार करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखना होगा। आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ अधर्म पर धर्म की विजय उत्सव दशहरा की शुभकामनाएं। जीत अहंकार पर सत्य की जीत के रूप में हम सब जानते हैं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज यहां हम सब आए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक बन के आए हैं। श्री रामचंद्र की सेना के हम वर वानर के रूप में, नर वानर के रूप में, छोटे छोटे रूप में आए हैं और आज रावण रूपये जो पुतला है हमारे मन के अहंकार का, रावण हम सबको समाप्त करना है और फिर से हम अपने अंदर धर्मराज की स्थापना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सत्य की स्थापना, सत्य की जीत, असत्य पे सत्य की जीत के प्रतीक श्री रामचंद्र की पूजन हम करने आए हैं। आप सबसे एक ही मैं निवेदन करता हूँ, जितने लोग आए हैं जो अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र भक्त मानते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में जो सर्व सोच पकता है जरूर हम अपने अपने घर लेके जाए और जिस घर में जाए महिलाओं से भी निवेदन है, आपके घर का कोई बेटा, कोई भाई, कोई पति या कोई भी सदस्य यहाँ जो आया होगा घर गया तो बिल्कुल उसके तार तिलक लगाकर आरती आप जरूर उतारे, क्योंकि वो या एक सामान्य वर्ग घर के रूप में नहीं आए, एक सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं आए, भगवान श्री रामचंद्र सेना के सैनिक के रूप में यहाँ पे आए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको आज विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई देते हुए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।